हर सीट पे एक बॉटल होल्डर दिया है पर्सनलाइज्ड, ये नाइट लैंप दिया है इस साइड, इसी वेंट है हर सीट पे एक। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल 83 सीट्स है इस कोच में, नॉर्मल 30 सीट होती है 72। ये पैडल है, ये पैडल जब दबेगा तो पानी आएगा, पैडल पैडल को रिलीज कर दिया तो ये बंद हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा ब्लॉगर। और दोस्तों आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 18615, हावड़ा से चलकर रांची को जाने वाली, रांची के हटिया को जाने वाली क्रिया योगा एक्सप्रेस में। और इस टाइम दोस्तों मैं हूँ हावड़ा जंक्शन के न्यू कॉम्प्लेक्स में, इसको न्यू कॉम्प्लेक्स से जाना जाता है। और दोस्तों जो साउथ की ट्रेनें हैं, यानी कि रांची साइड की जो ट्रेनें हैं और जो ट्रेन क्या नाम है बैंगलोर या साउथ की तरफ जाती हैं, वो ट्रेन डिपार्ट करती है प्लेटफॉर्म नंबर 17 के बाद से। तो हमारी ट्रेन निकलेगी दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 22 से रात के 9:30 बजे। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 22 से निकलेगी हमारी हावड़ा रांची हटिया एक्सप्रेस, जिसका नाम है क्रिया योगा एक्सप्रेस। और दोस्तों ये है प्लेटफॉर्म नंबर 21, सड़क के उस पार है प्लेटफॉर्म नंबर 22। शायद हमारी ट्रेन को शंट किया जा रहा है, वो देखिए एक ट्रेन आ रही है जो वैग 9 के साथ, शायद यही है हमारी हावड़ा रांची क्रिया योगा एक्सप्रेस। चलिए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों मेरी सीट है सीट नंबर 31, जो कि है एक लोअर बर्थ। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये है चार्जिंग सॉकेट दिया है, यहाँ पे नाइट लाइट भी दी है, और इस साइड है एसी वेंट, पर्सनलाइज एसी वेंट है जिसको आप खोल बंद करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे विंडो ब्लाइंड्स भी दिया है, आप देख सकते हैं। इसको ऐसे हम नीचे करके लॉक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल थर्ड एसी के कोचेज में काफ़ी दिक्कत हो रही थी यात्रियों को, इसको वापस ऊपर भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, विंडो ब्लाइंड होनी चाहिए थी, दिन में काफ़ी धूप होती है और धूप तेज़ आती है तो प्रॉब्लम होती है वैसे। और इस साइड दोस्तों 6 सीट वाले साइड आप देख सकते हैं कि हर सीट पे एक बॉटल होल्डर दिया है पर्सनलाइज्ड, ये नाइट लैंप दिया है इस साइड, एसी वेंट है हर सीट पे एक। और दोस्तों बाकी सीट पे बैठ के तो कंफर्टेबल लग रही है सीट्स इसकी। और जहाँ तक स्पेस की बात है हाँ वो थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, पर इतना भी कम नहीं हुआ है कि लोगों को बैठने में दिक्कत हो जाए। इसका फेयर दोस्तों नॉर्मल 30 सीट से मात्र 8%, यानी कि 8% कम है, ज़्यादा कम नहीं है, सिर्फ 8% ही कम है। और बाकी कोच के इंटीरियर की बात की जाए तो बड़ा ही शानदार दिख रहा है इंटीरियर। मेरी पहली यात्रा है 30 सीट इकोनॉमी कोच में, और मुझे ऐसा लगता है कि गरीबरथ ट्रेन में इस कोच को जल्द से जल्द लगाना चाहिए। और गरीबरथ कोच में लगाने के बाद गरीबरथ की जो शान है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे गरीबरथ इंडियन रेलवे में काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है गरीबरथ को, और अगर इन कोचेज को लगा दिया जाए गरीबरथ में तो गरीबरथ की बाकी जो जर्नी है काफ़ी स्मूथ और काफ़ी आरामदायक हो जाएगी। बाकी इसमें साइड में 3 सीटें नहीं दी, काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ हम आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्टेयर स्टेप का दिया गया है ऊपर वाली सीट्स पे चढ़ने के लिए, काफ़ी कन्वीनियंट लग रहा है। बाकी पहले तो ऊपर वाली सीट्स पे चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती थी। ये जो एसी वेंट देख सकते हैं, इसकी जो रीडिजाइनिंग की गई है, बाकी लाइट्स वगैरह को पहले से तो काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। और ये एलईडी लाइट्स देखने में बन रही है, सामने रूम स्प्रे भी लगा है, ये रूम स्प्रे है और ये शायद ऑटोमेटिक कुछ देर बाद चले। बाकी एलसीडी स्क्रीन है सामने, स्लाइडिंग डोर से आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो रीडिंग लाइट्स है ना, इसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसबी पिन भी दिया है मोबाइल चार्जिंग के लिए। तो और ये एक चार्जिंग सॉकेट है शायद ऊपर वाली सीट पर, ये चार्जिंग सॉकेट नहीं है सिर्फ, ये एलईडी लाइट के साथ ये यूएसबी पॉइंट दिया, इससे मोबाइल तो चार्ज हो जाएगा नो डाउट। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल 83 सीट्स है इस कोच में, नॉर्मल 30 सीट में होती है 72। और ये वाली जो सीट है ना सेपरेट, काफ़ी अच्छी, इस साइड भी 3 सीट है और बाकी ये सेपरेट है। तो काफ़ी सी यहाँ पर एक मिरर दिया है, साफ सुथरा मिरर है, और ये ग्लास फिनिशिंग दी गई है इस बैग होल्डर को, यहाँ पे आप बैग वगैरह रख सकते हैं, एक अलार्म चेन पुल भी है। और इधर भी वही सिस्टम है, एक चार्जिंग सॉकेट बाकी हर सीट पे आपको रीडिंग लाइट्स के साथ मिल जाती है, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट जैसे आप कर सकते हैं। और ये टेबल ऐसे खुल गई, और ये टेबल भी आप दोस्तों देख सकते हैं, इस टेबल की फिनिशिंग कितनी अच्छी है आप देख सकते हैं। बाकी ये पूरा जो है पावर का यहाँ से जो भी है स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं, और देखिए सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है,
एक सीसीटीवी कैमरा ये है और दूसरा सीसीटीवी कैमरा ये है। तो ये सारी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा गया है। बाकी सामने वॉश बेसिन, वाटर टैप, और इसमें ऊपर नल खोलने को नहीं दिया है। नीचे ये पैडल है, ये पैडल जब दबेगा तो पानी आएगा। पैडल पैडल को रिलीज़ कर दिया तो ये बंद हो जाएगा। और दिव्यांग जनों के लिए भी टॉयलेट डिज़ाइन किया गया है। ये कुछ ऐसा टॉयलेट है, इंग्लिश स्टाइल का टॉयलेट है ये। और बाकी आप देख सकते हैं टॉयलेट का, टॉयलेट में भी वही हिसाब किताब है। यहाँ से ये पैडल प्रेस करेंगे तो पानी आएगा। लिक्विड सोप भी आ रहा है। सामने मिरर भी साफ़ सुथरा है। स्पेस थोड़ा कम हो गया, इसको ऐसे स्लाइडिंग डोर होगा, बंद हो जाएगा। और लॉक करने के लिए इसको यहाँ पे ये कुंडी दी गई है, इसको कुंडी फंसा के लॉक कर सकते हैं। और ये इसको ऐसे भी पुश करेंगे नीचे तो लॉक हो गया, और ओपन करने के लिए इसको ऐसे ये ओपन हो जाएगा। तो कुंडी हटा देंगे आप तो ये वापस खुल जाएगा। बाकी ये काफ़ी प्यारा सा ये दिया हैंडल पकड़ने के लिए, फ्लश को दबाने के लिए यहाँ पे। और ये दिया गया है आपको वैक्यूम फ्लश है ये। दोस्तों अब बात करते हैं हावड़ा हटिया क्रिया योगा एक्सप्रेस के बारे में। तो हावड़ा से रात को 9:30 बजे निकल के सुबह 6:30 बजे पहुँचती है ट्रेन हटिया। टोटल डिस्टेंस कवर करती है ये 423 किलोमीटर का। ओवरनाइट ट्रेन है दोस्तों हावड़ा और रांची के बीच में। और अगर इस ट्रेन में कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इस ट्रेन में सारे ही कोच है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, अब तो थर्ड एसी इकोनॉमी का भी कोच लगाया जा चुका है। इसके बाद स्लीपर। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट एसी का एक कोच है, सेकंड एसी के दो कोच, थर्ड एसी के चार, और थर्ड एसी इकोनॉमी के तीन कोचेज हैं। तीन कोच को रिप्लेस किया गया है दोस्तों स्लीपर क्लास में, यानी कि स्लीपर के तीन कोच हटा के तीन थर्ड एसी इकोनॉमी के कोच को लगा दिया गया है। और दोस्तों अब इस ट्रेन में फेयर की बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में तो आपको देने होंगे 255 रुपीज़। अगर आप थर्ड एसी इकोनॉमी जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसमें ट्रैवल करते हैं तो आपको देने होंगे 635। नॉर्मल थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसमें देने होंगे 695। और वहीं अगर आप सेकंड एसी में ट्रैवल करते हैं तो 985। और फर्स्ट एसी का दोस्तों फेयर है हावड़ा से हटिया तक का 1645। तो ये है दोस्तों इस ट्रेन का फेयर। दोस्तों मेरे साथ को पैसेंजर है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर चंद कोचर है। आप कोच में तो बैठ गए सर, छोटा सा रिव्यू दे दीजिए कोच के बारे में कि मतलब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कोच में सीट्स बढ़ाई गई है, इस वजह से किराया थोड़ा कम है इस ट्रेन का। तो बाकी आप सीट में बैठे तो सीट्स कैसी है, मतलब कंफर्टेबल? नॉर्मल थर्ड एसी में आप ट्रैवल किए ही होंगे तो बाकी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि सीट्स कैसी है, कंफर्ट कैसा है सीट्स का? बाकी लेग स्पेस जो होता है, लेग रूम होता है दोनों सीट्स के बीच में, वो कैसा है? प्राइमा फेसी है तो ठीक लग रहा है और बेटर भी लग रही है। अब आप ट्रैवल करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। इट्स लुकिंग गुड। सर ने बोला है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है कोच में, जो भी है जो भी सुविधाएं दी गई कोच तो अच्छा दिख रहा है। वाकई में कोच थर्ड एसी से तो अच्छा दिख रहा है। बाकी थोड़ा सा जो स्पेस का इशू है वो तो है, बाकी ठीक है यार, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी बहुत दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब रात के 9:31 पे हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 22 से हम डिपार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं हावड़ा दुरंतो से आया था तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 22 पे ही आया था। 22 से ही डिपार्ट कर रही है हमारी ट्रेन। तो दोस्तों हावड़ा और हटिया के बीच में इस ट्रेन के टोटल 7 स्टॉपेज। अब 58 किलोमीटर्स के बाद आएगा मेचेदा रेलवे स्टेशन रात के लगभग 10:30 बजे। उसके बाद खड़गपुर जंक्शन रात के 11:15 बजे लगभग आएगा। 115 किलोमीटर की दूरी है खड़गपुर की। उसके बाद झाड़ग्राम, घाटशिला, टाटानगर, मूड़ी, उसके बाद रांची सुबह 5:40 पे आएगा रांची। टोटल डिस्टेंस है रांची तक का 416 किलोमीटर का। उसके बाद हटिया ट्रेन पहुंचेगी सुबह के 6:30 बजे। और दोस्तों इस कोच में जो ये डोर है, इस डोर की भी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा की गई है, विड्थ थोड़ी ज़्यादा की गई है। दोस्तों ट्रेन हमारी डिपार्ट कर चुकी है हावड़ा जंक्शन पे, आपने डिपार्चर देख लिया। तो दरवाज़ों को कर देते हैं लॉक, सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है रात में पैसेंजर्स की सेफ्टी की वजह से, ताकि कोई जो है अनरिजर्व पैसेंजर ट्रेन में यात्रा ना करे और कुछ ट्रेन में गड़बड़ ना हो। बाकी सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं मेरे सर के ऊपर, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है। दो सीसीटीवी कैमरा ट्रेन में इंस्टॉल्ड है, किस साइड में भी है। पर चोरी करना होगा तो चोर आजकल सीसीटीवी कैमरे से भी चोरी करके ले जा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे की वैल्यू कुछ नहीं है, हकीकत बात है। बाकी तो चोरों के पास इसका भी तोड़ है, पर सेफ्टी के हिसाब से दरवाजे बंद होने ही चाहिए। बाकी चलिए मैं अपना बिस्तर लगाता हूँ और काफ़ी थका हुआ हूँ दोस्तों, क्योंकि बैक टू बैक मैंने 2-3 जर्नी कर ली है, रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ।
दोस्तों अब ट्रेन अपने पहले हॉल से निकल चुकी है, मेचेदा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड था, स्टेशन कोड है दोस्तों स्टेशन का MCA। और ये दोस्तों हावड़ा से 58 किलोमीटर्स की दूरी पे है। 5 मिनट का स्टॉप था यहाँ पे, 22:20 पे यानी 10:20 पर अराइवल था, 10:25 पर डिपार्चर था। पर ट्रेन यहाँ पे 15 मिनट लेट हो चुकी है। तो अब हम निकल चुके हैं अपने ट्रेन के पहले हॉल्ट से। अब इसका अगला हॉल्ट होने वाला है खड़गपुर जंक्शन, रात के लगभग 11:30 बजे आएगा वो। दोस्तों अगर वॉशरूम की बात की जाए ना, तभी मैं वॉशरूम यूज़ करने गया था, मैंने वॉशरूम अभी यूज़ किया। जो जेट होता है बाथरूम में, एक बाथरूम में तो जेट है, दो बाथरूम में जेट है, लेकिन जिस मैं इसमें गया था, इस वाले में मैंने बाथरूम यूज़ कर लिया, उसके बाद देखा मैंने तो जेट नहीं था, किसी ने जेट खोल लिया है। और जो मग में सिक्कड़ लगी होती है वो सिक्कड़ बहुत ही छोटी थी, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, आप समझ सकते हैं। तो कुछ वॉशरूम की कंडीशन तो कुछ ऐसी नहीं है, बाकी रेलवेज़ को क्या दोष दिया जाए, रेलवेज़ ने तो लगा के दिया जेट जो है जेट्स में, पर किसी ने चुरा लिया इसमें, रेलवे क्या कर सकते हैं, हालांकि रेलवे की जिम्मेदारी तो बनती है ध्यान देने की। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन रांची जंक्शन पे। आप पीछे देख सकते हैं रांची जंक्शन, और मेरी जब नींद खुली तो हम रांची जंक्शन पहुंच चुके थे, क्योंकि सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले ही ट्रेन पहुंच गई है रांची जंक्शन। 5:40 पे अराइवल था पर 5:30 पे ही पहुँच गई। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने आपको बताया रात में जो वॉशरूम मैं यूज़ करने गया था, तो मैंने देखा कि जो जेट स्प्रे है वो किसी ने निकाल लिया है खोल के। कोचेस में अगर बात करूँ, सीट की बात करूँ तो सीट्स कंफर्टेबल, बाकी साइड लोअर बर्थ में जो प्रॉब्लम होती थी, हाफ मतलब मिडिल में सीट ऊपर नीचे की प्रॉब्लम है, वो तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत थी, पर हाँ सीट्स कंफर्टेबल है नॉर्मल थर्ड एसी से। दोस्तों अगर थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस की बात की जाए, तो मैंने आपको फेयर जर्नी के स्टार्ट में बताया है कि 635 इसका फेयर है, नॉर्मल थर्ड एसी का फेयर है 695। बाकी अगर कोच की कंफर्ट की बात की जाए तो कोच का कंफर्ट ठीक है, बाकी 60 रुपये से कोई फ़र्क तो मुझे पड़ने वाला नहीं है। कुछ एक मेजर डिफरेंस बनाना चाहिए था रेलवे को, कि मतलब लोगों को भी समझ में आता कि हाँ थर्ड एसी इकोनॉमी वाकई में थर्ड एसी इकोनॉमी है, और नॉर्मल थर्ड एसी में एक डिफरेंस जो रहता वो रहता। बाकी इसमें 83 सीट्स है, नॉर्मल थर्ड एसी में होती है 72 सीट्स। दोस्तों रेलवे का वैसे तो एम है कि स्लीपर क्लास के पैसेंजर को थर्ड एसी में सफ़र कराया जाए कम पैसों में, तो स्लीपर क्लास का किराया है 255 रुपये और इसका किराया है 635 रुपये। दोस्तों ये बहुत बड़ा गैप है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक स्लीपर की टिकट से दुगने दाम में भी ये इसकी टिकट नहीं आएगी। तो इस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेज जो है स्लीपर क्लास में जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इसको चूज़ करने वाले हैं। बाकी हाँ जो थर्ड एसी में लोग ट्रैवल करते हैं वो तो अब कुछ लोग कन्वर्ट हो जाएंगे थर्ड एसी इकोनॉमी में। बाकी गरीबत से तो कोचेज ये अच्छे हैं दोस्तों, कई गुना अच्छे हैं, क्योंकि गरीबत में जो साइड मिडल बर्थ है उससे काफ़ी दिक्कत होती है। गरीबत की सीट्स भी काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी पतली होती है, इतनी चौड़ी नहीं होती। इसकी सीट्स वगैरह ठीक है, साइड में भी कोई, और दोस्तों साइड में कोई साइड मिडल बर्थ नहीं है, इस हिसाब से तो थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेज को एक थम्स अप मिलता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।